जो व्यक्ति अगर दलितों के अत्याचारियों के साथ में है वो दलितों का संविधान का अंबेडकर का कैसे हितैषी हो सकता है। ऐसे लोगों को आपको वॉयकॉट करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि एक दलित की हत्या हो गई तो कोई बात नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को, दलितों को जो एस सी एस टी हैं, उनको वोटिंग के माध्यम से उनकी सत्ता को छीनना चाहिए। बिहार के नेता कहाँ के जो दलित हैं, बहुत सारे बहन जी को आगे आना पड़ा है। बहन जी पूरे देश की नेता है। बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसकी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। नेशनल पार्टी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। माननीय बहन जी ने जो भी काम किया है वो मानवता के लिए किया है। बहन जी ने कोई जाति देख कर, धर्म देख कर नहीं किया है। और बहन कुमारी मायावती जब भी दलितों पर, शोषितों पर या वंचितों पर कोई अत्याचार होता है पूरे देश में किसी भी कोने पर, बहन कुमारी मायावती और पार्टी की आवाज़ बुलंद होती है। सहारनपुर पर जब कांड हुआ तो बहन कुमारी मायावती अकेली थी जिन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। और आज भी आनंद मोहन को छोड़ने की अगर रूल्स को चेंज किया जा रहा है तो बहन कुमारी मायावती पहली लीडर हैं जो उसका विरोध कर रही हैं। बहन कुमारी मायावती हमेशा से कानून का पालन करती हैं, कानून का राज स्थापित करना चाहती हैं। जब बहन कुमारी मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो जितने भी गुंडे थे सब उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए थे या जेलों में थे। बहन कुमारी मायावती कभी भी अपराधियों के साथ नहीं हो सकती हैं। और अंबेडकर की आइडियोलॉजी यही है कि हम अपराधियों के शोषक के खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि शोषण हमारा हुआ, हम जानते हैं कि शोषण कितना बुरी बात होती है। अगर कोई शोषण शोषक के खिलाफ है, जो शोषित समाज है, वो उम्मीद किससे करेगा, वो तो बहन कुमारी मायावती से उम्मीद करेगा। ऐसे लोग भी शोषक के खिलाफ हैं तो वो राजनीति को अपराधीकरण करना चाहते हैं, तो जनता चुनाव में उसका हिसाब करेगी। क्या बिहार में दलित नेता नहीं बचे जो बहन जी को आगे आना पड़ा है? मैंने क्या बताया आपको, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, एक ही मात्र नेता है, वो बहन कुमारी मायावती नेता है। बहुजन समाज पार्टी के जितने भी नेता, ईमानदार नेता हैं, वही आवाज़ उठाने का काम करते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी शोषण होता है तो पार्टी और पार्टी के नेता वो स्टैंड लेने का काम करते हैं। हम जैसे जो एक्टिविस्ट हैं वो आवाज़ उठाने का काम करते हैं। जाति देख के न्याय मिलेगा, जाति देख के सजा मिलेगी? भाई देश देश में तो जाति देख कर, धर्म देख कर ही न्याय हो रहा है। आज की डेट में तो जाति देख कर, धर्म देख कर न्याय हो रहा है। और जब तक इस देश के अंदर जाति देख कर और धर्म देख कर न्याय होगा, अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, फिर देश कभी सोने की चिड़िया नहीं बन सकती हैं। अगर खेत ऊंचा नीचा रहेगा तो अच्छी पैदावार नहीं हो सकती है। और समाज में ऊंच नीच रहेगी, जाति देखकर काम होंगे, तो कभी अच्छा समाज नहीं बन सकता है। अच्छा समाज नहीं बनेगा तो अच्छा देश नहीं बनेगा, फिर कैसे सोने की चिड़िया बनाओगे आप? तो नीतीश का यही सुशासन बाबू है? कोई सुशासन बाबू नहीं है वहाँ। हमेशा से देखिए, आपने देखा होगा बिहार के अंदर जो हमारे लोगों की स्थिति है आज, वहाँ बहुत नौजवान साथी हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। उन लोगों पर कोई पॉलिटिकल जमीन नहीं है उनके हाथ में, क्योंकि ना तो ये हमारे जितने पॉलिटिकल लीडर हैं हमारे नौजवानों का साथ देते हैं, ना उनको लीडर बनाना चाहते हैं, ये तो खुद ही लीडर बनना चाहते हैं। केवल एक माननीय काशीराम साहब और उनकी पार्टी ऐसी है जो लोगों को लीडर बनाना चाहती है और वहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलती है। नहीं तो बिहार हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या और भी कोई प्रदेश हो, वहाँ पर जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं वो कभी किसी को नेता नहीं बनाना चाहती हैं, वो तो खुद करना चाहती हैं और खुद वो मलाई खाना चाहती हैं। जैसे उनके पिताजी ने मलाई खाई वैसे ही वो मलाई खाना चाहते हैं। भाई मैं पासवान जी की बात कर रहा हूँ, उनको मलाई से मतलब है, उनको अपने लोगों से मतलब नहीं है। जब रणवीर सेना वहाँ सैकड़ों की तादाद में लोगों को मार देती है और फिर वहाँ कुछ नहीं होता है, जब भी हमारे लोगों को संघर्ष करना पड़ा था, तो आज हमारे लोगों से आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि आपको खड़ा होना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा लोगों को और अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। कोई नेता जो छुटपुटिया नेता है वो कोई आपकी आपकी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अगर आप पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे, अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं लेके आएंगे तो आप पर ये जुल्म होते रहेंगे। अगर बहन जी की सरकार होती, बहन जी सरकार में होती, अगर तुम उनको मजबूत करते तो ऐसे लोग जेलों में रहते, कभी बाहर निकलने की बात नहीं करते और उनको उनकी सजा जो सही सजा होती कानून में उनको दिलाई जाती। तो क्या बिहार में मनुस्मृति लागू हो गई है पूरी तरह से? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि बिहार में मनुस्मृति पूरी तरह से लागू होगी, पूरे देश में कहीं लागू नहीं है, मगर कुछ लोग लागू करना चाहते हैं। पूरे देश में संविधान का राज चल रहा है, पूरे देश में संविधान का राज चलना चाहिए और चलेगा, क्योंकि संविधान सुप्रीम है। संविधान से पूरे देश चलता है, सरकारें चलती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है, स्टेट गवर्नमेंट चलती है, जुडिशरी चलती है, पुलिस प्रशासन चलता है, सारे प्रशासन संविधान से चलते हैं। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई मनुस्मृति से देश चल रहा है, मगर कुछ लोग, चंद लोग, गुंडे किस्म के लोग, करप्ट लोग इस देश को मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं, उनकी गलतफहमी है।
अब ये देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, अब ये देश संविधान से चलेगा, संविधान से चल रहा है और संविधान से ही आने वाले समय में चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सुमोटो ले सकता है ऐसे मामलों में, उम्र क्या है उसको? सुप्रीम कोर्ट भी शांत बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी शांत बैठा हुआ है। ये तो लोगों को जो न्यायप्रिय लोग हैं उनको आवाज़ उठानी चाहिए, जो कानून पर विश्वास करते हैं उनको आवाज़ उठानी चाहिए कि अगर कोई करप्ट व्यक्ति अगर जेल में नहीं रहेगा, बाहर आएगा तो वो दोबारा करप्शन करेगा, दोबारा अपराध करेगा। और एक बार कोई जो DM को मार सकता है उसके लिए छोटे मोटे लोग क्या हैं? वो तो ज़मीन को हड़पेगा, लोगों को मारने का काम करेगा, डराने का काम करेगा, डर का माहौल बनाने का काम करेगा। तो ऐसे व्यक्ति की जगह जेल है और जेल में ही रखना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, बाहर तो निकाल लेनी चाहिए। देखो ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अपराधी है, जो DM को मारने का जिनके अपराध है और जो जेल में लंबे समय से हैं, उनको बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। क्योंकि ऐसे अपराधी क्या है कि वो पूरा सिस्टम में अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। और ये पहली सरकार नहीं कर रही है, ऐसे ही जो गोधरा का कांड हुआ था, बिल्किश बानो के जो हत्यारे हैं उनको भी गुजरात की सरकार ने छोड़ने का काम किया था, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो ये जो सरकार है अपने चहते लोगों को वो जेलों से निकालने का काम करती हैं, जेलों में सुविधा देने का काम करती हैं, उनको वो रेड कारपेट बिछाने का काम करती हैं। तो ये सरासर गलत है, ये डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है, ये रूल ऑफ लॉ एंगल निकाला जा रहा है। बिल्कुल, जो अपराधी कहा जा रहा है ये राजपूत हैं और जो अधिकारी था, जो DM था वो दलित था, तो ये एंगल भी निकाला जा रहा है सर। देखिए, बड़ी मुश्किल से कोई दलित DM बनता है, बड़ी मुश्किल से कोई IPS और IAS बनता है। वो तो धन्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कि उन्होंने हमें संविधान के अंदर ऐसा प्रोविजन दिया है कि हम IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बन सकते हैं, ईमानदार होते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी अम्बेडकरवादी लोग हैं वो ईमानदार लोग हैं, वो देश से मोहब्बत करते हैं, वो फर्स्टली और लास्टली अपने आप को भारतीय मानते हैं, वो भारत के कानून का पालन करते हैं, वो इंसानियत पर विश्वास करते हैं, बुद्ध के रास्ते पर चलने का काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा कांड करता है और जाति के नाम पर उसको छोड़ने का काम सरकार करती है तो सरासर गलत है। जाति के नाम पर सरकारों को कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जब सरकारें बनती हैं तो सारे लोगों की हिस्सेदारी होती है, सारे लोग उनको वोट देने का काम करते हैं। सरकारों का काम, तेजस्वी यादव तो बड़े सामाजिक सरकार की बात करते हैं। देखिए, सामाजिक न्याय सब धरा रह जाता है जब जाति की बात आती है और अपने 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 राजनीति की बात आती है। तो उनको समझना चाहिए कि दलितों के साथ में हमेशा से अत्याचार होता आया है। दलितों को तो ये गाजर मूली की तरह समझते हैं, चाहे उनका DM हो, चाहे उनका CM हो, चाहे उनका कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, उनको तो ये समझते हैं कि इनके साथ शोषण कर दो और कुछ भी कर लोगे। अगर ये चलने वाला नहीं है, अब दलितों में, SC ST OBCs में, माइनॉरिटीज के अंदर नौजवान तैयार हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो अपने आवाज़ उठाने का काम करते हैं। यादव का नीतीश का ये फैसला गलत है, दलितों के विरोध में है। बिल्कुल गलत है, दलितों के विरोध में है। बहन कुमारी मायावती ने इस पर स्टेटमेंट भी दिया है कि एक दलित व्यक्ति जो DM थे उनको एक व्यक्ति ने मारा, हत्या करी उनकी और जेल में है। आज उनको छुटाने के लिए अगर सरकार पैरवी कर रही है, सरकार ऐसा अगर रोड मैप बना रही है या ऐसा रूल्स चेंज कर रही है या कारपेट बिछाने का काम कर रही है उनको कि भी आ जाइए अपराधियों को, तो फिर राजनीति का अपराधीकरण हो जाएगा। और राजनीति का तो अपराधीकरण हो गया, भ्रष्ट लोग हैं राजनीति के अंदर बहुत ज्यादा। जब आनंद मोहन कह रहे हैं कौन है मायावती में, मायावती को जानता नहीं, बताइए, वो सांसद भी रहे हैं, तो ये एक्चुअली में घमंड बोलता है, उनका घमंड है। ऐसे जो लोग हैं वो घमंडी लोग हैं, वो कानून को अपने कदमों का नौकर मानते हैं। मतलब एक कोई सांसद रहा आनंद मोहन, उसे नहीं पता मायावती कौन है? पता सब है। ये जाति का एक झूठा गौरव है, एक उनका झूठा अहंकार है। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, ऐसे लोगों को कानून के माध्यम से सजा देनी चाहिए कि कोई दूसरा आनंद मोहन पैदा ना हो, दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति पैदा ना हो जो दलितों पर या किसी भी इंसान पर अत्याचारियों के लिए भारत नहीं है। अत्याचार कोई भी किसी भी जाति किसी भी धर्म का व्यक्ति करेगा, अत्याचारी के खिलाफ सब लोगों को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि यही तो सिविल सोसाइटी है। तेजस्वी यादव को नुकसान होगा दलित वोट बैंक का? नहीं, बिल्कुल नुकसान होना चाहिए। दलितों को देखना चाहिए कि भाई तेजस्वी अगर उनके साथ में है तो वो आपके हितैषी नहीं है।